तो यहाँ देते हैं अभी आपके कंप्लीट वॉक राउंड, थोड़ा चला के बताएंगे आपको क्या कुछ है और क्या इसके अंदर कमी अभी भी, कमी अभी भी छोड़ दी, चाहे वो गलती से रह गए चाहे कुछ कमी छोड़ दी वो भी बताएंगे इसके अंदर, और इसका पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर अच्छा किया है। भाई देखो अगर मैं कहूँ फ्रंट से, तो फ्रंट के अंदर इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। यहाँ से टायर सेक्शन इसके 100 का है, पिछला 140 का टायर सेक्शन में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले अगर देखने को मिलेगा तो अगर आप फ्रंट से देखो, देखो पहले एक बार ना, तो कोई बता नहीं सकता कि ये R15 वर्जन, मतलब R15 है, कह रहे तो वर्जन फोर्थ में कह रहा हूँ, वर्जन फोर्थ है लेकिन बता नहीं सकते ये R15 है। बिल्कुल R7 जो है ना, R7 का लुक है आ रहा है इसके अंदर। लेकिन फिर भी बता देते हैं क्या 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 इसके अंदर आया है। एक तो जो इसके ये LED DRL है दोनों तरफ, देखने के अंदर ना मतलब बिल्कुल ही जिसे कहना है सेक्सी वो लगा है भाई, ये हैगा। और ऊपर से इसके अंदर दे दिया है प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, ये दे चुके हैं। और भाई साइड में नोटिस करोगे तो ये है USD फोक्स, और गोल्डन कलर ना, मतलब कई कई क्या करते हैं इसको ना ब्लैक में कर दे देते हैं, तो ब्लैक में देने का तो मतलब इतना ना ठीक है भाई, दे दिया एक ब्लैक में दे दिया, बस उस वक्त ना ये हो जाता है हाँ भाई ठीक है दे दिया, लेकिन गोल्डन कलर ना ऐसे दूर से अगर USD फोक्स अलग ही थोड़ी सी फील आती है कि भाई हाँ है कुछ तो है, USD फोक्स है उस अंदर में थोड़ी अलग से ही फील आने लग जाती है, हाँ थोड़े लुक में भी अच्छा लगता है और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये है। और अगर इसके मैं साइड की बात करूँ तो अगर मैं ना बिल्कुल बाहर से बता देता हूँ साइड की बात करूँ तो देखो एक बार साइड की इसकी फेयरिंग बदल दी है। पहले क्या था यहाँ से ना खुला रहता था, तो अभी इसको थोड़ा सा ना क्लोज कर दिया और थोड़ा सा ये क्या है हीट को ना ऐसे कर दिया, बंदा मतलब इसके साथ ना पैर लग जाता है और हीट आपके बिल्कुल पैर से बार बार चले जाती है, तब थोड़े से पैर लगती थी अब लेकिन बार बार चले जाती है। और हीटिंग इश्यू तो इसके अंदर है नहीं कि भाई थोड़ा इतना हो, चलो लॉन्ग राइड के ऊपर चले गए तो भाई कोई भी साधन हो चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी क्यों ना हो, गाड़ी लड्डो क्यों ना हो छोरी गई वो तो सारा ही करेगा हीट, तो भाई देखो कर ही है एक टाइम के बाद ना, क्योंकि चले है तो हीट तो करिए, बंदो भागत वो भी हो ही जा, ये तो फिर भी बेचारी बाइक है। और ये था साइड में से भाई, साइड में से एक तो ये बताऊंगा आपने ना, ये सब कुछ बताऊंगा, ये मिरर तो वही है, फ्रंट का बता दिया आपको, साइड का बता दिया। एग्जॉस्ट का थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हाँ थोड़ा सा चेंज किया है, पर देखने में ना ठीक लग रहा है, ये नहीं कह रहा वो बेस्ट लग रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन एक जो देखा हो RR 310 में और इसमें तो हाँ अच्छा लग रहा है, इसके अंदर देखने से RR 310 के मुकाबले ना अच्छा लग रहा है, उसके अंदर बेरहने भाई जो कैसे ही दे दिया, चलो कोई टेंशन वाली बात ना है। और मैं गाड़ी पकड़ रहा हूँ जबकि मुझे RR 310 लेनी है कोई ना भाई, देखो चलती क्या है, सीधी सी बात है जो अच्छा ही है वो अच्छी है, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है ना। पीछे से बिल्कुल ऐसे है, और एक देखो ये नोटिस किया हल्का सा छोटे छोटे चेक करो तो देखो ये पहले थोड़ा ऐसा था बिल्कुल ने, अब लाइट के इसको ना प्लास्टिक ऊपर तक ढक दिया है, ये भी थोड़ा देखने ना अच्छा लग रहा है। देखो ऐसे मैं साइड में दिखाता हूँ, ये बढ़िया लग रहा है देखने में, पर कमी अब मैं कमी बताऊँगा क्या कुछ है इसके अंदर। और एक बार साइड में से और दिखा दूँ कंप्लीट, भाई ये कुछ है साइड में, और कमी देखो अब मैं स्टार्टिंग गिरवाना शुरू कर दूँ। पावर ड्रॉप तो हुआ है, ये कह रहा है भाई कहीं ना कहीं वो कहते हैं को करना था क्या, ये कह रहा हाँ कहीं ना कहीं वो क्या करना था कोस कटिंग करनी थी तो पावर ड्रॉप कर दिया, अरे कोस कटिंग करनी थी बाबा वैसे कहीं कर दिया और पावर ड्रॉप क्यों करो, चलो कोई ना अब कर दिया तो हीट ना पड़े तो इन्होंने कराया थोड़ा, अरे इंजन की हीट पहले भी कहाँ करी थी यार इंजन हीट ना। और क्या बोलो अगले आके क्या है जो अब 2022 आओगे उसके अंदर पावर बढ़ा के दे दे, अब ये कर कि और कुछ तो है ना इसके अंदर चेंज करने के अंदर, क्या करोगे बस लोगे क्या? और देखो स्टार्ट पीछे से बताऊँ, देखिए थोड़ा सा ना ये थोड़ी सी ना यहाँ पर देखो कैसे वो हिल रहा, इंडिकेटर में थोड़ी सी कमी रख दी उन्होंने। और बताऊँ तो पिछले जो बंदा है ना जो बैठता है तो मतलब जब बैठता है तो ठीक है नॉर्मल, अगर बैठा है तो कोई नहीं, लेकिन ब्रेक लगता है ना यहाँ ऐसे लगता है, तो ये थोड़ी सी देर में ना ये थोड़ी सी देर में दर्द होने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा ढंग से पकड़ के बैठने पड़ेगा। और दर्द भी इसलिए क्योंकि पीछे कुछ और जो दूसरी बाइक उसके अंदर देखो देखा हो तो पकड़ने के लिए कुछ दे रखा होता है, इस साइड कुछ भी नहीं है ग्रैब रेल ना, इस साइड ग्रैब रेल ठीक है ना भाई, कहीं पर ग्रैब लेने अब इसको पकड़े तो इसके अंदर भाई देखो कोई भी इतना रिस्क नहीं उठाओगे, इसे पकड़ के थोड़े ब्रेक आ गए अचानक से तो ये टूटने को भाई कोई रिस्क नहीं उठाना चाह, हाँ
हाँ वैसे सीट कंफर्ट के अंदर, सीट कंफर्ट में अच्छा कर दिया। और एक बार पकड़िए, मैं बैठ के दिखाऊँ ठीक है। और भाई मेरी हाइट है 5'9", पैर बिल्कुल टिक रहा है, पर पैर दिख रहा है ना? यस, मेरा पैर बिल्कुल दोनों साइड टिक रहा है आराम से। और सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो हाँ, सीट कंफर्ट भी पहले से इम्प्रूव है, पिछला भी बढ़िया है, आगे से भी इम्प्रूव हुआ है। और इसकी देखो अगर हैंडलिंग की बात करूँ, पहले थोड़ा ऐसा होकर बैठना पड़ता था, थोड़ी पीठ में भी और यहाँ पर थोड़ा दर्द होता था, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया और ज़्यादा नहीं झुकना पड़ता। अब स्पोर्ट्स बाइक तो थोड़ा बहुत तो बंदा झुकेगा ही झुकेगा, इतना ऐसे नॉर्मल है तो इतना तो मैं अपाच में झुक के चलाता हूँ, तो ये थोड़ा सा और हो गया। कंट्रोल में चलाई भाई, कंट्रोल तो है बेस्ट, कंट्रोल में कहूँगा इसके अंदर बढ़िया कंट्रोल है भाई, कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। और रही पैर की, तो पैर में भी इतना कुछ नहीं, ये जो होता है ऐसा ना ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक ही है इसके अंदर, ये करने के बाद एवरी साइड ये वाली जैसे ये गियर किया ठीक है, पैर ऐसे रखते थोड़े से ना झुकाते वक्त ना, तो पैर थोड़ा जल्दी नीचे टच हो जाता है यहाँ से ना, तो ये थोड़ा जल्दी टच हो जाता है। ये था सीट कंफर्ट के अंदर थोड़े वो है। और तो ब्रेक लगाऊंगा तब पता लगेगा कि यहाँ क्या सीन चल रहा, इम्प्रूव हुई है या ना हुई। रिफाइनमेंट हाँ वो चलाते वो बताऊँगा, रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट में भाई देखो ये है, इसके अंदर जो सेगमेंट है ना, सही बताऊँ मैं भी, मेरे पास भी देखो अपाची है दोस्तों, ऐसे बात मेरे पास अपाची है, दोस्त के पास R15 भी है, एक के पास NS भी है, मैं सारी चला रखी है, ऐसी होनी है। और रिफाइनमेंट के लेवल में कहूँगा सच बताऊँगा, मेरे भाई कुछ नहीं जा रहा हूँ ना, मेरे से किसी कुछ दे रखो, इसका जो रिफाइनमेंट लेवल है ना इसके सेगमेंट में, मेरे को इसका आसपास नहीं है कोई सी बाइक भाई, सी साफ बात है इसका आसपास नहीं है कोई सी बाइक। अब तुमने कहो KTM ने ले कहो बात, कहाँ 2.5 लाख 200 cc सेगमेंट, कहाँ 2.5 लाख, कहाँ से इसके सेगमेंट में आ गई हो। तो 2 लाख का अंडर अंडर पड़ी थी भाई वो बाइक, हमें ऑन रोड पड़ गई थी 2 लाख का अंडर अंडर। और इसका सेगमेंट में मैं ये कह सकूँ इससे रिफाइंड इंजन किसी का ना है, या वहाँ से रिफाइंड इंजन वो भी R सीरीज का किसी का अंदर ना है। तो भाई इतना तो थो, अब मैं दिखाऊँ आपने उसका आगे क्या क्या चेंज हुआ। और भाई देखो इसके अंदर क्या है, ये तो अपना है पासिंग के लिए ठीक है ना, ये है मेन। मीटर का बताऊंगा क्या कुछ है, वो चलाते वक्त बताऊंगा कि क्या कुछ है। हाँ ये वो भी देखूंगा, ये रहे इसके बाद लाइट के लिए, ये ठीक है, मतलब ऐसे कर दिया पास के लिए ठीक है। ये इंडिकेटर होगा, ये भी वही है पिछले में भी था, ओरन भी था पिछले में। ये देखो ये चेंज किया इन्होंने ठीक है ना, यहाँ से सीधा किल स्विच को इसी के अंदर, और स्टार्ट को भी इसी के अंदर ऐड कर दी ऑफ। ये मैं दिखा देता हूँ, देखो ठीक है ना, ये ऑन, ये यहाँ से यहीं से ऑन हो गया, बोले स्टार्ट, और यहीं से बंद। और इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया, जैसे गियर के अंदर लगे तो इसका जो साइड स्टैंड से कट ऑफ हो जाएगा, जैसे ही न्यूट्रल होगी तो न्यूट्रल स्टार्ट होगी, गियर डलती ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और एक और चीज़ ऐड की है, हजार लैंप। अब इससे चारों के चारों इंडिकेटर देखो एक साथ हो गए यार, इंडिकेटर ने थोड़ी सी इसकी लुक वो कर दी डाउन में। और ये है इसका स्विच, ये है इसके मीटर कंसोल के लिए ठीक है ना। देखो यहाँ से मैं ट्रिप दिखाता हूँ, ट्रिप यहाँ से चेंज करता हूँ, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और एक ऑडोमीटर, मतलब 3 इसके अंदर वो है। और इसके अंदर ट्रिप के अंदर और कुछ नहीं है। और इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ से भाई एवरेज क्या दे रही है, 100 किलोमीटर चलने में 2.2 की ये खा रही है, ये बता रही है, वो तो पता लगेगा भाई सही में यही है कि नहीं, कि स्टार्टिंग है तो इंजन खुला नहीं है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी सर्विस करवा लेते हैं फिर इसके माइलेज टेस्ट भी करेंगे। और यहाँ पर एवरेज स्पीड बता रहे हैं हमारे पास 35 का, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और ये देखो ट्रैक्शन हमने कर दिया यहाँ से ऑफ। अभी ये भी बताऊंगा आपको कि ट्रैक्शन इसे कैसे ऑफ करते हैं, कैसे ऑन करते हैं अगर ये जानना है, और क्विक शिफ्टर को कैसे ऑन करते हैं कैसे ऑफ करते हैं, जो नए बंदे हो नहीं जान पाते, ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर के ऊपर ही है, वे कैसे काम करता है, इनको ऑन ऑफ कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊँगा इसके अंदर। और अब ना मैं इसको जल्दी से ऑन कर लेता हूँ, ये आगे इसके बैटरी वोल्ट भी दिखा रहा है भाई कितना है, कूलेंट टेम्परेचर भी दिखा रहा है देखो, मतलब 74। और ट्रैक मोड भी बताऊंगा कैसे ऑन करना होता है कैसे नहीं, ये तो ठीक है ये हो गया। और भाई फीचर्स के मामले में मैं इतनी चीज़ कहना चाहूँगा, अपाची और R15 इन जितना फीचर मेरे हिसाब से कोई नहीं देता होगा,
फ़ोन से कभी कनेक्ट हो जाए, फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद आपने देखो यहाँ पर थोड़ा साइन भी दिख रहा हो, मैं एक मिनट ऑफ कर ऑन कर दूँ, देखो ये रहा मैसेज का पता लग जाएगा भाई किसी का मैसेज आया है, यहाँ से फ़ोन का पता लग जाता है भाई किसी का फ़ोन आ रही इसी के अंदर, और ये ऊपर जो है छोटा सा ये बैटरी का भी इसी के अंदर, देखो मैं दोबारा करता हूँ थोड़ा, ये सब कुछ बैटरी वटरी का टाइम का गियर का हर चीज़ का पता लग बता देता है। अगर एक सिर्फ कंप्लीट मीटर की डिटेल चाहिए तो भाई वो भी बता दूँ, मैं आपने कंप्लीट मीटर की डिटेल दे दूँ, और अभी इसको थोड़ा ना चला के बताता हूँ, कमेंट करो कमेंट, और सारी चिप्स ना के लगाओ, चिप्स के लगाओ, मैंने भी खानी थी अरे लग जाए ना, चलो कोई नहीं, और अब इसको ना एक बार चला के दिखाता हूँ, चला के देखता हूँ या फिर एक राइड रिव्यू वो ना बाद में दूंगा क्या कुछ है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि बोर हो कि स्किप कर करके देखो, तो इसका राइड रिव्यू भी देखना ना, तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, बात करेंगे सीधी, हाँ सीधी मुद्दे की बात करेंगे, चैनल भाई सब्सक्राइब कर लो, जो कुछ भी आपने इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई किसी भी चीज़ के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए इसके ऊपर R15 के लेकर, तो भाई बता दो, सीधी सी बात है खुल कर बता दो किस टॉपिक के ऊपर आपने R15 किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वीडियो मिलेगी आपने। और वीडियो ये नहीं भाई, देखो मैं ये नहीं कह सकूँगा कि वीडियो अगर आपने आज कही मेरे पास कमेंट के अंदर कमेंट आया तो मैं कल परसों तक वीडियो आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा भाई थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा, तो मैं वो दे दूँगा पब्लिक, देखो कैसे देखने लग रही है मैं बोल रहा हूँ, तो चलो कोई टेंशन वाली बात ना है, या जल्दी दे दूँगा, जल्दी ये नहीं कि भाई आज कही तो मैं 2 महीना बाद ला रहा उस वीडियो ने, 5-7 दिन लग जाएंगे बनाने में थोड़ी सी, क्योंकि भाई भाई को भी थोड़े वो होना चाहिए टाइम, पीस को भी होना चाहिए थोड़ा टाइम, मेरे पास भी होना चाहिए बनाने के लिए, मतलब मेरे पास तो क्या शाम का टाइम हो जाता है, इसको भी होना चाहिए, अभी कोई ले जाता है तो फ्री भी नहीं होता, तो कोई नहीं चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखनी है तो भाई ठीक है ना, जल्दी 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 सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब।